चॉकलेट फंडियू चुनौती, क्या सच में? हाँ सच में, क्योंकि यह हमें बहुत पसंद आ रहा है। हम इस दौर में मजेदार चीजों के साथ आए हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। शूजी तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें मकई का भुट्टा पसंद नहीं है? खैर जेन खुश लग रही है। वैसे पसंद हो या ना हो, तुम्हें वह तो खाना ही पड़ेगा जो तुम्हें दिया गया है, जो बेशक गुलाबी चॉकलेट में डिप किया हुआ है। शूजी तुम क्या कर रही हो? ओह लगता है मैं समझ गई। एक मिनट अच्छे से हिलाने के बाद सूजी को मिला है बिल्कुल सही पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न तब और भी अच्छा हो जाता है जब वो चॉकलेट के साथ बना हुआ हो। स्वादिष्ट। आप सभी को यह मानना पड़ेगा कि यह उसके ओर से किया गया एक प्रतिभाशाली समाधान था। अब जेन जिसे कि हनीकॉम मिला है, जो अपने आप में ही काफी मीठा है, पर क्या यह चॉकलेट के साथ मिलाने पर बेहतर होगा? हाँ। उसे एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिल गया है और कोई उम्मीद कर रहा है कि जेन उसके साथ शेयर करेगी, लेकिन यह नियम नहीं है। सूजी भूल गई है कि उसके पास पहले से ही एक बढ़िया व्यंजन था जिसके लिए उसे आभारी होना चाहिए था, और वह शहद चाह रही है। सूजी झूठ बोलने में अच्छी नहीं है, यह उसके स्वभाव में नहीं है, और अब उसे एक योजना बनाने का मौका मिला है। अरे नहीं, जेन उसके जाल में फंसने वाली है। और वह यह रहा, जेन पूरी तरह से सर से लेकर पांव तक चॉकलेट से ढक गई है। वह कम से कम इसके लिए तैयार नहीं थी, पर वह इसके लिए गुस्सा भी नहीं है, और वह खुश ही रहती अगर सूजी उस रस्सी के दूसरे भाग को नहीं खींची होती। जेन को उन सभी पंखों से छुटकारा पाने के लिए घंटों स्नान करना पड़ेगा। तो सबसे प्यारी मुर्गी कौन है यहाँ? ओ ओ ओ, यह कैसी गंध है? ओ, यह गंध उस चीज से आ रही है। सूजी के पास कुछ रंगीन है और बिल्कुल भी अप्रिय नहीं है। ठीक उसके विपरीत जेन है। जेन के पास एक बड़ी क्लिप है जिसे वो मदद ले सकती है। व्यंजन टेबल पर है। मैं आपको एक साथ चॉकलेट और चीज को खाने की सलाह नहीं देती हूँ। जेन ने उस पूरे चीज को खत्म कर दिया, पर फिर भी चीज की गंध चारों ओर फैली हुई है। उसकी सांसों से उस चीज की बदबू आ रही है, यह भयानक है। खैर हम सभी को उस विशेष समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका पता है, और इसमें एक टूथब्रश शामिल है। टूथपेस्ट की जगह चॉकलेट, आज कुछ भी संभव है। यह देखने में बुरा लग रहा है, लेकिन कम से कम उसकी सांस की बदबू खत्म हो गई है। यह एक बड़ी सी लॉलीपॉप है। सूजी बहुत खुश दिख रही है, जैसा कि उसकी जगह पर कोई भी होता तो खुशी होता। यदि आपने कभी भी एक सकर को चॉकलेट सॉस में डिप करके नहीं खाया है, तो मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जेन वास्तव में एक बार खाना चाह रही है, और ऐसा होता है जब पूछा जाता है। वह लॉलीपॉप लगता है हमेशा के लिए उसके पास रहने वाला है। या नहीं, वह भाग्यशाली है कि यह सब जल्दी बंद हो गया, और उसका चेहरा अप्रभावित लगता है, हालांकि थोड़ा गंदा तो है। वाओ, ओह वाह, अब यहाँ पर तीखा और मसालेदार डोरिटोज आ गया है।
यह दौड़ तो काफी मजेदार होने वाला है। यस! उम्मीद है कि उन ओरियोस से कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। जेन पूरी बहादुरी से जो उसे परोसा गया है उसको खाने की कोशिश करती है, पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि किस तरह के चिप्स उसे मिले हैं। उसे जल्दी से कुछ करने की जरूरत है। वो मुश्किल से अपनी सांस पर काबू पाती है। इससे थोड़ी मदद मिली, मुझे लगता है कि हम सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। सूजी कुछ बदलाव के लिए जाना चाहती है। जब फाउंटेन की बात है तो उसे अच्छे से करना चाहिए। हम प्रयोगों से प्यार करते हैं। वाओ! और अब यह सफेद चॉकलेट है। सूजी एक असली खजाना है दोस्तों। वो अपने दोस्त के साथ अपनी कुकीज शेयर करने के लिए तैयार है। जैसे दुख बांटने से कम होता है, उसी तरह सुख बांटने से बढ़ता है। स्वादिष्ट। दूध में डुबोने से भी बेहतर। वाओ! गमी आईबॉल्स। ये थोड़े डरावने हो सकते हैं, पर ये चीज बहुत ही स्वादिष्ट होकर आ सकते हैं। बस मेरा विश्वास करें। और अब दूसरी ओर है उबले हुए अंडे, जो कि बहुत ही ज्यादा उबाऊ हो सकते हैं। जेन इस दौर को बहुत अच्छे से निभाना चाहती है। वह खुशी खुशी करती है और वह एक योजना लेकर आती है। ओ! और फवारा फिर से रंग बदलता है। गहरा नीला चॉकलेट, कितना जादुई है। अब जेन और इंतजार नहीं कर सकती। अब देर मत करो और आंखों को मुंह में डालो। ऐसा लग रहा है कि वो भूल गई है कि सूजी उसके साथ शेयर करने के लिए काफी उत्सुक है। वो अपने दोस्त को पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। सूजी, बेचारी लड़की, उसे चखने के लिए एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अफसोस की बात है कि उसके लिए बस वह बेकार अंडे ही हैं, जिसे वह खाना नहीं चाहती है। वे उन गमी आंखों की तरह दिखते हैं। शायद यह अच्छा हो। नहीं, छी, घिनौना। और यह नीला चॉकलेट किसी तरह से उसे और बुरा ही बना रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार सब सही होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जेन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च। जेन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो सातवें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जेन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जेन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। ए
है मैं इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू उफ। पर जेन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली, तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है, क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जेन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ! यस! ओह! स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे, बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे, शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें, या डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जेन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वह उनमें से किसी को कुछ दे, वह प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है, अंडे। खैर, उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ! वाह! अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहाँ लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार।
जो भी हो इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बर्ड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? Yeah. मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। ओह, उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वह वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। आहा। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम दो मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी दो मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वह एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है, और कितना बड़ा भी है। yeah. शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। wow. जेन को इसे काटने से पहले दो बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्फोट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है, और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती।
यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपने व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ। चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस